लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते है ना। लोगों को बोला जैसे नियम, देखिए क्या होता है ना कि नियम जो है आदमी को कंप्यूटर के नियम समझ में आते हैं, आदमी को कई ऐसे नियम होते हैं जो जैसे प्रकृति के नियम समझ में आते हैं, उसमें चाहे कितना ही झोल जा लो आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करें किससे? बारिश कब होती है कब नहीं होती है, कोई रूल नहीं उसका, होती है बारिश के मौसम में होती है, लेकिन किसी दिन तेज हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बहुत लंबे समय तक होती है। आप चीखते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो, किस पे चीखो, किस पे चिल्लाओ, किसको बोलो, किसको शिकायत करो, कहाँ कंप्लेंट लिखाओ, कौन से थाने में जाके आप रिपोर्ट दर्ज करो, कुछ नहीं कर सकते ना। तो वहां हमें अजीब नहीं लगता, लेकिन ऐसे ही कोई अगर इंसान नियम बनाए और वो थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉर्मेट में हो तो लोगों को जल्दी इंसान के नियम समझ में नहीं आते, प्रकृति के नियम समझ में आते हैं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के नियम समझ में आते हैं, या बहुत सारे नियम समझ में आते हैं। आपके घर के पास से ट्रेन निकलती है, वो आवाज करती है दर 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 दर, जब निकलती है तब आवाज करती है, लेकिन आप अगर घर के आप अपने घर के पास में और कोई शोरगुल करता है तो आप वहां पे कंप्लेन करते हो, लेकिन ट्रेन के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको पता है कि वो आपके बस में नहीं है। तो वो नियम आपको समझ में आते हैं जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां आप कुछ कर सकते हो तो वो नियम आपको समझ में नहीं आते, आपको कुछ करना चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए। अगर आते भी हैं तो लोग उनको फॉलो नहीं करते, अक्सर लोग नियमों को तोड़ देते हैं, अक्सर लोग नियमों को तोड़ देते हैं। रूल्स क्या है? देखो रूल बनाना है बड़ा आसान काम है, लेकिन अक्सर लोग, मतलब मैं अगर यूं कहूं कि 10-20-50 लोगों को भी जब देखूंगा तो उसमें से एक या दो आदमी ऐसे होते हैं जो नियमों का पालन करने के पूरे प्रयास में जुटे रहते हैं, सारे लोग नहीं करते। अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा अभी सही कि लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते, अगर करते भी हैं तो कभी कभी भी तोड़ देते हैं। पालन किया कभी भी रूल तोड़ दिया, जब रूल एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हैं जैसे ट्रैफिक के रूल है, हम कब अप्लाई करते हैं, कब मानते हैं उनको, जब एक रेड लाइट जली हुई हो पहली बात, दूसरी बात हवलदार खड़ा हो या चालान कटने का डर हो तब तो हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ आप तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम लोग ना नियमों को बहुत जल्दी तोड़ देते, नियम तोड़ने में जैसे मास्टरी है, ये रिकॉर्ड नहीं है जिसको आप तोड़ते हो, तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी नियमों को तोड़ देते हैं। ध्यान रहे, नियम नहीं रहे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इस पूरी पृथ्वी पे सूरज, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। अगर आप सोचिए एक बार, एक दिन पृथ्वी सोच ले गया, पृथ्वी का मतलब ये एक दिन ऐसा हो जाए कि आज बोले रात चक्कर नहीं लगाना, आज आज घूमना नहीं, खत्म हो जाएगी। मतलब आप एक नियम अगर एक बार बिगड़ गया कोई भी चीज का, आप पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत कुछ है, तो आप अगर वो सब नियम तोड़ दें तो ये सब कुछ सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन नियमों की वजह से सब कुछ चलता है। अकेले एक पृथ्वी के चारों तरफ 14,000 से ज्यादा तो इंसान की छोड़ी हुई सैटेलाइट चलती है, लेकिन वो सब एक नियमों से चलती है, ताकि इसलिए वो एक दूसरे के साथ कभी टकराती नहीं है और पृथ्वी को वो सारी सुविधाएं देती रहती है और काम हम लोग करते रहते हैं। उस वजह से हमारे टेलीफोन चलते हैं, पता चला कि सर आज एक जो सैटेलाइट है वो आज 5 मिनट लेट हो गया तो खत्म हो जाएगा आपका मामला, लेकिन वो नियम कभी टूटते नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो नियमों में हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नियम क्या है? देखो आप पहले ये कि नियम बनाना है तो नियमों को बनाना करना कितना आसान है। यहाँ पे आपके सपने कुछ अगर ऐसे हैं, अगर आप चाहते हैं एक शानदार जिंदगी आपकी हो, एक फैंटास्टिक बहुत बेहतरीन लाजवाब लाइफ स्टाइल आपकी हो, आपके पास गहने जेवरात ज्वेलरी, देश विदेश की यात्राएं, घूमना फिरना, शानदार बंगला हो, गाड़ी हो, लग्जरी, ये सब चीजें पाना चाहते हो, थोड़ा सा नियमों का पालन करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नियम क्या क्या है। अभी देखिए यहाँ पे आप सब लोग जो भी है आप खुद एक बार एहसास करेंगे, अगर एहसास करते हैं तो हम नियमों का कितना जल्दी तोड़ देते हैं। हर मीटिंग में कम से कम दो नए लोगों को लाना, एवरी मंडे 8 PM JRCM की एक मीटिंग होती है, हर मीटिंग में नए दो लोगों, चाहे कोई हो, मैं हूं नियम बना दिया दो को लाऊंगा, कमलेश्वर राय जी है नियम बना दिया दो को लाएंगे, गुप्ता जी है नियम बना दिया दो को लाएंगे, कन्हैयालाल है गुवाहाटी से नियम बना दिया दो को लाएंगे, विपुल पाठक है नियम बना दिया दो को लाएंगे, अब चाहे वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो नए दो को लाएंगे। यही तो काफी
बिजनेस क्या है भाई? आखिर ये बिजनेस है किस चीज का? कोई खेती नहीं करनी है, फैक्ट्री नहीं लगानी है, हल नहीं आंकना, रेड़ी नहीं लगानी है, रेस्टोरेंट नहीं चलाना है ना? यहाँ पे और करना यही काम, काम क्या है लोगों को? इसमें करना क्या पड़ेगा? नए लोगों को मीटिंग में लाओ, यही तो काम, इसी को तो सिस्टम कहते हैं। हर मीटिंग में कम से कम, अब मुझे बताइए क्या ये मुश्किल है? दो नए लोगों को लाना मुश्किल काम है? बोलो आपको ये समझो कि सब कुछ, ये चार तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई ना, इसको पहले दिमाग में सेट कर दो, अगर मुझे ये जिंदगी चाहिए तो दो नए लोगों को हर मीटिंग में लाऊंगा, रूल बना लिया। आप देखो नियम बनाए गए, हमने बहुत बार बनाए हमने नियम। पिताजी ने आपको पूजा करने की आदत डलवाई, आपने आदत डाली, पिताजी ने कितनी बार आपको कहा होगा? एक बार मान गए? नहीं। दो बार मान गए? नहीं। दस बार मान गए? नहीं। पच्चीस बार मान गए? नहीं। पचास बार, सौ बार पिताजी ने आपको, जब तक आपकी आदत पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चली नहीं गई, बार बार याद दिलाया, बार बार बेटा पूजा करके निकल, पूजा करके निकल, पूजा करके निकल, तो धीरे धीरे आप चाहे डर से, चाहे आदत से, चाहे आप जो भी माहौल था उससे, आपको डर लगता था कि पिताजी को पता चल गया तो मार पड़ेगी, या पिताजी को पता चल गया डांटेंगे, आपने उससे किया, आपको शायद हो सकता है कि विश्वास बन गया कि मैं पूजा करके निकलूंगा तो मेरे जीवन अच्छा होगा, आपके मन में विश्वास बना, आपको डर लगने लगा कि अगर मैं नहीं किया तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बुराई, कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन आदत जल्दी नहीं बनी, तो आदत बनाने में समय लगा, वहां आदत बनाई, बन गई ना, करते हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन हम उनको मानते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई, बुरी बुरी चीजों की आदत पड़ जाती है, हम मानते हैं उस नियम को, काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल रूल है, हर मीटिंग में दो नए लोगों को लाना। अब अगर मैंने दो मीटिंग को लाना, इसका मतलब अगर एक बार मीटिंग में अगर 1000 लोग होंगे और दो नए लोगों को लाओगे तो अगली मीटिंग में आपके 3000 लोग होने चाहिए, और 3000 लोग अगर अगली बार, मान लो 3000 में से जो 2000 नए लोग आए उनमें से, मान लो मैं कहता हूँ कि उन 2000 में से सिर्फ 500 लोगों ने आश्रम को ज्वाइन किया, बाकी के लोग आपके साथ दोबारा नहीं आते, तो 1500 लोग हो गए, 1500 लोग अगली बार में 3000 नए लोगों को लाएंगे, फिर उनमें से कुछ लोग बचेंगे, फिर लोग आएंगे, फिर जो होंगे, तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो जानी चाहिए, 10 लाख हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, क्योंकि हम दो नए लोगों को नहीं ला रहे, भीतर चोर लगा के बैठे नहीं कर रहे सर, ये सपना जो है ना इसीलिए तो पूरा नहीं होता है, हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं, पता नहीं कितने ट्रेवलिंग, पता नहीं कितने मोटिवेशन, पता नहीं कितनी बातें, पता नहीं कितना जोश, हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन दो नए लोगों को मीटिंग दिखा, सरल सिंपल आसान काम, लेकिन क्या है, हम मीटिंग करते हैं भूल जाते हैं क्या करना है, बस अब अगले हफ्ते ना मीटिंग, कोई बात नहीं, जब भी जब सोचेंगे, और अगले हफ्ते हम मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन दो नए लोगों को नहीं लाते, हर हफ्ते दो लोगों को मीटिंग में लाना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग को लेके, हालांकि थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट ऐसे में रहेगा तो आगे आएगा सब्जेक्ट, नहीं तो सकता अगली बार में। ट्रेनिंग को लेके एक बड़ी गलतफहमी है, वो गलतफहमी थोड़ी दूर करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग में सबको नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्या वो क्या जन्मजात ट्रेनर बन के आया है, उसको सारी नॉलेज है, नया आदमी है? मैं कहता हूँ कितना भी विद्वान हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उम्र दराज हो, कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो, उसको यहाँ तो सब कुछ सीखना ही पड़ेगा, सब कुछ, तो ट्रेनिंग में क्यों नहीं लाए उसको? तो ट्रेनिंग में तो सबको ही ला, तो जितने लोगों को बिजनेस में ला रहे हो उसको उतने लोगों को ट्रेनिंग में लाना पड़े, ऐसा किसने कहा कि इसको लाना इसको नहीं लाना? अरे फिर अगर केवल मीटिंग में ला रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं ला रहे हो, तो वो तो आगे जा ही नहीं सकता, या तो इसका मतलब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बस इससे तो थोड़ा ही काम कराना, फॉर्मेलिटी करनी है, आगे कुछ कराना ही नहीं। ट्रेनिंग में नहीं ला रहे हो, इसका मतलब आपने उसका बहुत जल्दी उसकी श्रद्धांजलि आपने चढ़ा दी है कि भैया तेरे को तो आगे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग में आए इस धरती पे, इस आरसीएम बिजनेस के इस 21 साल के अवधि में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो जो बिना ट्रेनिंग के वो टेक्निकल बन गया हो, संभव नहीं है, असंभव है। इसका मतलब अगर हम ट्रेनिंग में नहीं ला रहे, इसका मतलब हम खुद ही चाहते हैं कि ट्रेनिंग में नहीं आए और वो टेक्निकल नहीं जाए, और ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि जब मैं बड़ा हो जाएगा तब लाऊंगा, अरे जब बड़ा हो जाएगा तो वो बाकी चीजें कैसे सीखेगा, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे मीटिंग में लोगों को इनवाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे अपलाइन का सम्मान करना है, कैसे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, वो सब चीजें आप बिना ट्रेनिंग के, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन आपने इधर बिजनेस की शुरुआत की, इधर ट्रेनिंग, वेरी फर्स्ट डे,
बिजनेस की शुरुआत तो एक फॉर्मेलिटी है, एक एक एडमिशन है, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराने, बस एडमिशन हो गया। उसके बाद पढ़ाई कहाँ पे है? पढ़ाई तो ट्रेनिंग में। अब आपने एडमिशन करा दिया, उसके बाद बोला क्लास में कभी नहीं आना, तो कहाँ पढ़ पाएगा? यही वजह है कि अगर हम ट्रेनिंग में नहीं लाते हैं तो बंदा फेल हो जाता है। ट्रेनिंग में कितने लोग आने चाहिए? अगर नए लोग अगर मीटिंग में आते हैं, ओपन मीटिंग में आते हैं, तो उनको एक बार आना पड़ता है। एक बार आदमी आया, उसके बाद उसको 100 बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, मतलब 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, उससे कहीं ज्यादा बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। यानी उसको ओपन प्लान में आना पड़ रहा एक बार, ट्रेनिंग में आना पड़ रहा 100 बार, इसका मतलब ट्रेनिंग में तो संख्या 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एटीट्यूड क्या है? ट्रेनिंग में नहीं लाना, ट्रेनिंग में इससे नीचे के लोगों को नहीं लाना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ट्रेनिंग में लाइए, सबको लाइए, एकदम ब्रांड न्यू लोगों को लाइए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ ऐसी एक भी बात नहीं सिखाई जाती जो आपके बिजनेस को कमजोर करे, खराब। हाँ, जब ट्रेनिंग पर्टिकुलर स्पेशल लेवल की होगी, मैं आपको खुद बता दूंगा, इस बार की जो ट्रेनिंग है इसमें केवल रॉयल्टी अचीवर रहेंगे, इस बार की ट्रेनिंग इसमें केवल टेक्निकल अचीवर रहेंगे, इस बार की ट्रेनिंग इसमें ईगल रहेंगे, रनर रहेंगे, व्हाटएवर जो भी, वो मैं खुद बता दूंगा। आप जब भी ऐसा जानकारी नहीं हो, आप सबको ट्रेनिंग में, लाखों लोगों को ट्रेनिंग में बैठाना है। मेरी एक योजना है, मैं एक स्ट्रेटेजी लेके काम कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम करोड़ों तक कैसे पहुंचे, मतलब बिल्कुल मैं उस स्ट्रेटेजी को लेके काम कर रहा हूँ, मतलब पीछे जो तैयारी है मेरी कि करोड़ों तक कैसे पहुंचे, जहां पे हम लोग डिजिटल मीडियम को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपनी ब्रांड इमेज डेवलप करें, कैसे आप सब लोग अपने हिंदुस्तान में अपनी पहचान बढ़ाएं, कैसे बिजनेस को आप एकदम रिवाइव और ग्रोन अप करें, और कैसे करोड़ों लोगों तक डिजिटल मीडियम में मैं और आप सब लोग मिलके पहुंचे। हम करोड़ों तक जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी बहुत संभावना है बिजनेस की, बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिना बताए तो अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग में आपको लाना है, तो यहाँ पे पहला मेरा जो रूल है वो है कि कम से कम आपको 2 नए लोगों को मीटिंग में 100% लाना है। अगर ये नहीं ला रहे, इसका मतलब नियम तोड़ रहे हैं। कौन कौन तोड़ रहा है मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम नियम क्या बनाते हैं? रोज एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाना है। कितना आसान काम है। देखो, आपके सामने जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम के सामने आप नीचे जो मैं लाइन जो आपको शेयर कर रहा हूँ उसको देखिए, क्या मैं मुश्किल बता रहा हूँ। ये सपने पूरे करने के लिए एक आदमी अपने जिंदगी में क्या क्या नहीं करता, हर किसी के बस की तो बात नहीं है। 1000 में से तो इरले बिरले कर पाते हैं सब चीजें जो सपने में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका हर कोई कर सकता है, 1000 के 1000 कर सकते हैं, या 1-2 की बात नहीं है। लेकिन 1000 के 1000 लोगों को जो काम करना है वो काम बड़ा सरल है। 2 लोगों को मीटिंग में लाना, रोज एक आदमी को प्लान दिखाना, हर दिन दिखाना, एक व्यक्ति को आप ऑनलाइन दिखाओ, रोज एक नए व्यक्ति को, मतलब नए की मैंने इसलिए बोला कि पता चला पत्नी को उठा के रोज प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा, या एक आदमी को डाउनलाइन को उसी को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। रोज नए व्यक्ति को, कम से कम एवरेज एक नए व्यक्ति को, इसका मतलब 30 दिन में 30 प्लान। हाँ, अब आप कभी 5 लोगों को एक साथ दिखा रहे हो, कभी 10 को एक साथ दिखा रहे हो, कभी 2 को दिखा रहे हो, कभी नहीं भी दिखा पा रहे हो, लेकिन एवरेज आपके पास 30 दिन में 30 आदमियों के पास आपका प्लान पहुंच जाना चाहिए। खुद दिखाइए, अपलाइन की मदद लीजिए, दिखाना नहीं आता तो सीखिए, सिंपल है, इजीएस्ट है, इससे ज्यादा आसान काम नहीं हो सकता। 5वीं क्लास पास आदमी भी दिखा सकता है, उससे कम पढ़ा लिखा हो तो भी दिखा सकता है। बड़ा मत दिखाइए, छोटा दिखाइए, दिखाइए, शुरू करिए, नियम बनाइए, एक प्लान रोज, सिंपल। देखो, अगर मैं छोटे छोटे रूल अगर आपके जीवन को बदल सकते हैं, छोटे छोटे रूल, मैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों नहीं आपको छोटी नहीं, मैं बड़ी बड़ी चीजें ही बताऊंगा आपको, क्यों? जब छोटी चीजें आपके लिए प्रैक्टिकल है, छोटी चीजें आप कर सकते हैं, छोटे काम हर कोई कर सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है आज की तारीख में इस मीटिंग में, चाहे भले उन्होंने कल ही ज्वाइन क्यों नहीं किया हो, ये सब कुछ उन सबके लिए पॉसिबल है। नियम क्या है? महीने के पहले दिन काउंसलिंग करना। अब मैंने यहाँ कौन सा मुश्किल काम बता दिया? अगर काउंसलिंग आप 1 तारीख की जगह 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को कर रहे हो तो उसका क्या फायदा? उसके रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास। काउंसलिंग करते ही नहीं है तो कितना नेगेटिव हो सकता है बिजनेस आपका। अगर काउंसलिंग करते रहे तो आपके बिजनेस में मिनिमम 20-30% की ग्रोथ आपकी गारंटी से हो जाती है, मतलब बिल्कुल पक्का 100%। सिर्फ अगर कमी होती है तो काउंसलिंग को ठेक नीचे तक नहीं पहुंचाने की वजह से होती, फिर चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। अगर कोविड जैसी मुश्किल स्थितियों में अगर आरसीएम बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है तो काउंसलिंग करते रहे तो आपके बिजनेस में सीढ़ियां बन सकती है, सोने की सीढ़ियां बन सकती है, स्वर्ग जैसा काम आपको हो सकता है। बस कमी होती है तो काउंसलिंग की होती है, कमी होती है तो नियमों का जिसका पालन आप
करना छोड़ देते हैं, वीकली क्लोजिंग करना। मैंने आपको मेरे ख्याल से इस बारे में 2-3 बार 4 बार 5 बार या इससे ज्यादा बार मैं आपको याद दिला रहा हूं आजकल कि वीकली क्लोजिंग करो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या नुकसान हो गया, क्या मुश्किल बता दिया मैंने आपको, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं, कौन सा समय खराब हो रहा आपका। अब टारगेट तो सेट करो कि इस हफ्ते मेरा बिजनेस ये होना चाहिए। अब क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप पहले ही मैंने सब कुछ चीजों को ठीक नहीं कर सकते, बट टारगेट सेट करो। और एक सिंपल फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, जो मैंने दिया है मैं उसको याद दिलाता हूं, 10-20-30-40 मैंने बड़ा आसान इतना याद रखना ही हो जाएगा कि पहले हफ्ते 10% बिजनेस हो जाना चाहिए, दूसरे हफ्ते 20% बिजनेस हो जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते 30% बिजनेस हो जाना चाहिए, चौथे हफ्ते एडिशनल यानी पहले हफ्ते 10%, दूसरे हफ्ते प्लस 20 यानी कि 10+20=30 हो जाना चाहिए, तीसरे हफ्ते 30+30 यानी कि 60% हो जाना चाहिए, और चौथे हफ्ते 60+40 यानी 100% बिजनेस हो जाना चाहिए। अगर ऐसे आपने अगर बिजनेस की आदत बना दी तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके बिजनेस को बहुत बड़ी क्लोजिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मजा आएगा आपको, इतना सरल हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, हर दिन में डिवाइड हो जाएगा, कोई कमी होगी तो तुरंत पता चल जाएगा। ये आदत बनाओ, ये आदत सिखाओ, बहुत आसान। इन सपनों के आगे जो मैं काम बता रहा हूं वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। हर महीने वाइटल की सीढ़ियां चढ़ना, पहले महीने 5,000, कौन सा मुश्किल काम बता दिया मैंने आपके सामने। सपने तो देखो क्या शानदार जिंदगी हो सकती है, 5,000 का बिजनेस, 5 करोड़ की कार, चलो 5,000 का बिजनेस करना, 5,000 खर्च नहीं करने, लेकिन अगर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा तो फिर मैं आपसे 5,000 का करवा क्यों, जब आपका कुछ नहीं होगा तो मेरा कौन सा कुछ बहुत कुछ हो जाए। देखिए अगर मैं आपको बहुत बड़ा करने के लिए और बहुत बड़े अनुभव के साथ में 21 साल के गहरे तजुर्बे के साथ में अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 5,000 का बिजनेस करके तो देखो, हर महीने सीढ़ी चढ़ के तो देखो, चलो टाटा बिरला अंबानी मित्तल जिंदल सबको नहीं हरा दो तुम्हें तो कैसे कर दो, बट आदत तो बनाओ, नियम तो बनाओ, हर महीने 5,000 की पहली सीढ़ी, 5,000 हो गया है तो 10,000 की दूसरी सीढ़ी, 10,000 हो गया तो 20,000 की तीसरी सीढ़ी, सिंपल आसान, 5 करो 5-5 करवाओ बस। तो इतना सिंपल काम है तो आसान, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक एक करके सबसे पूछूंगा तो सब हाँ कर देंगे, हो जाएगा कर लेंगे, लेकिन करते नहीं, नियमों का पालन तोड़ देते हैं, नियमों को छोड़ देते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। बात तो नियमों की है, बात तो नियमों की है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा रूल्स में बात करूंगा। नियमों का पालन नहीं करते हैं, इंसान के बनाए नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं। अगर यही नियम अगर आपको कंप्यूटर बना देता कि अगर हर महीने 2 लोगों को मीटिंग में नहीं लाओगे तो जैसे हर हफ्ते मीटिंग में नहीं लाओगे तो अगले दिन आपकी मौत हो जाएगी, कंप्यूटर कहेगा सर आपको वायरस लग जाएगा अगर आपको कुछ ऐसा हो जाए, साला आप ऐसा देखो फिर क्या नियमों का मानता है। अगर आपको कोई ऐसा पता चलेगा अगर आपने ये नहीं किया तो बस फिर तो आपका पूरा खजाना जो सरकार आपका जब्त कर लेगी, आपका पूरा परिवार खत्म कर देगी, अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आप नियमों का पालन कर लो। लेकिन आप क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए नियमों का पालन नहीं करते। आसान रूल है, छोटे छोटे नियम है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भाग लेना, अब ये कौन सा मुश्किल काम है, जब भी कोई प्रोडक्ट हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, गुड डॉट न्यूट्रीचार्ज हरीश संजीवनी गामा है, आपको जो भी प्रोडक्ट आते हैं या कीसोल की सीरीज है, हमेशा उनकी जानकारी लेना ये अपना कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है तो उसकी नॉलेज नहीं गेन करेंगे तो काम नहीं बनेगा। जब भी मीटिंग मिलती है सिस्टम को फॉलो करना, यानी जो भी नियम आपको सिस्टम की तरफ से आपके लिए बताए जाते हैं उनका पालन करना, बहुत आसान काम है, मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो सिस्टम बनाया आपके लिए गया है, अलग सिस्टम के ऊपर भी थोड़ी सी आगे मैं बातचीत करूंगा, तो सिस्टम बनाया आपके लिए, उसको पालन करना, अपना दिमाग मतलब अपना तगड़ा अपना आइडिया अपना दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग, आपका काम बंद होगा तो आपका दिमाग तो चलेगा ही नहीं, वो तिकड़म कहां से चलेगी। सिस्टम का मतलब है आपकी अनुपस्थिति में आपका बिजनेस चलता रहे, आप काम नहीं करो और आपके बाद अगर बिजनेस चलता रहे, इसका मतलब आपका तरीका होना ही नहीं चाहिए, आपका तरीका होगा आपके साथ ही खत्म हो जाएगा।